वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट्स। देन स्प्रेडशीट आर कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज्ड टू स्टोर, एनालाइज, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट द डेटा इन द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए ग्रिड। इट मीन्स कि स्प्रेडशीट क्या है, जिसमें अपन डेटा को एनालिसिस करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और कहां पर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। कि जो भी डेटा अपन रखेंगे वो किसमें रखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। द स्प्रेडशीट इज अ ह्यूज टेबल विथ मैनी रोज एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट के अंदर बहुत सारी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उसकी टेबल होती है। स्प्रेडशीट आर जनरली यूज टू एनालाइज डेटा, मैक प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन डेटा एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इट मीन्स आप स्प्रेडशीट में क्या कर सकते हो, डेटा को एनालिसिस कर सकते हो, और देन आप क्या कर सकते हो, डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट आता है, वो आता है कि यू कैन यूज ए स्प्रेडशीट टू, किस किस में अपन जो स्प्रेडशीट का यूज करेंगे, तो देखिए डेटा को इंटर करने के लिए, डेटा को एडिट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए। लाइक अगर अपन को डेटा को फॉर्मेट करना है, उस पर कोई अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो अपन इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा। डेटा पे अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, किसमें, स्प्रेडशीट के अंदर। नेक्स्ट आता हुआ है ड्रॉ चार्ट एंड ग्राफ्स बेस्ड ऑन द डेटा। डेटा के बेस पे अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ एंड चार्ट भी बना सकते हैं। अलग अलग चार्ट्स है, वो अपन किसमें बना सकते हैं, आपके स्प्रेडशीट के अंदर बना सकते हैं। देन वेरियस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, कौन कौन सी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आती है जिसके अंदर अपन यूज करते हैं, वो करते हैं एमएस एक्सेल, जो क्या है, पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस है। इसके अलावा ओपन ऑफिस केएलसी है, इसके अलावा लोटस है, जीएनयूमेरिक है, और देन डब्ल्यूपीएस ऑफिस है। ये अलग अलग स्प्रेडशीट, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिनको अपन यूज कर सकते हैं। जो आपका डब्ल्यूपीएस है, उसके अंदर जैसे अपन यूज करते हैं जो आपका एमएस ऑफिस, वैसे आपका आता है डब्ल्यूपीएस, उसके अंदर भी जो डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, वो आपको यहां पर एज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है, वो आता है देखिए एमएस एक्सेल, क्योंकि जो एमएस एक्सेल के एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो अपन बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, एमएस एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। इट मीन्स कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और जिसका यूज अपन किस लिए करते हैं, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको इंसर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। और कौन सा डेटा हो सकता है, वो न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, इसके अलावा टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, कोई लॉजिकल डेटा भी हो सकता है। थिंक ऑफ ए स्प्रेडशीट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज दैट फॉर्म ए टेबल। कि जो स्प्रेडशीट है, देखिए स्प्रेडशीट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको डेटा है वो रो एंड कॉलम्स के अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, दिस इज जस्ट वन सॉफ्टवेयर ऑफ ऑल, इफ ऑल ऑफ द एमएस ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड। कि अगर आपके पास एमएस ऑफिस है, लाइक वो 2010 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, तो उसके अंदर एज ए वन सॉफ्टवेयर आपका क्या रहेगा, आपका एमएस एक्सेल रहेगा। अल्फाबेटिकल लेटर्स आर यूजुअली असाइन टू कॉलम। कॉलम को क्या असाइन होता है, अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, जिसको अपन कॉलम लेबल भी कहते हैं। ठीक है, नंबर्स आर यूजुअली असाइन टू रोज, और जो रो को क्या असाइन होते हैं, नंबर्स असाइन होते हैं, इनको अपन कहते हैं क्या, रो नंबर्स। तो देखिए कोई भी कॉलम होता है, उसके हेडर के अंदर जो कोई भी टेक्स्ट वैल्यू होती है, अपन कह सकते हैं अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कॉलम लेबल। और रो के आगे आपके पास क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो उसे अपन कहते हैं रो नंबर। ओके, द पॉइंट्स वेयर ए कॉलम एंड रो मीट इज कॉल्ड सेल। जहां पे रो एंड कॉलम एक दूसरे को मिलते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, सेल। लाइक अगर अपन बात करें कि ये कॉलम्स है अपने, ठीक है, और ये अपनी रोज है, तो ये एक दूसरे को जहां पर मिलती है, तो ये एरिया आपका क्या होगा, आपका सेल होगा। ठीक है, और आपका डेटा किसके अंदर होगा, रो एंड कॉलम्स के अंदर होगा। The address of cell is given by the letter representing the column and the number representing a row. अब अगर अपन बात करें कि इसका address क्या होगा, तो suppose that ये column आपका A है, और ये आपका column B है, और ये आपकी row 1 है, और ये आपकी row 2 है। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर इसका address क्या होगा, तो इसका address होगा B2. B2 means B वाला column हो जाता है और second वाली row हो जाती है। तो इसका answer जो आपका इसका address क्या होगा, वो होगा B2। सबसे पहले कॉलम लेबल, और देन क्या होगा, रो नंबर।
देन एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल इज डॉट एक्सेल एस एक्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी ये है कि जो एमएस एक्सेल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट एक्सेल एस एक्स होगा. ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2003 के बाद. 2003 है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो एक्सेल एस था. ठीक है, और उसके बाद में जो 7 आया है, इसके बाद में जो भी वर्जन आया है उसके अंदर एक्सटेंशन है डॉट एक्सेल एस एक्स. ओके, तो अभी अपन ने बात की किसकी, स्प्रेडशीट क्या होता है, कहाँ किसका यूज होता है, अलग अलग कौन सा सॉफ्टवेयर है, और साथ ही साथ व्हाट इज एमएस एक्सेल. नेक्स्ट आता है वो आता है फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल के क्या क्या फीचर्स हैं, तो फर्स्ट आता है वो आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, कि अपन कोई भी अपन गिवन कंडीशन उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. लाइक 60% से डेटा अगर ग्रेटर देन हो तो वो आपको रेड कलर के अंदर शो करे, तो ऐसा अपन कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा पाइवोट टेबल है, डेटा के एनालिसिस के लिए काम में आती है. पेस्ट स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका पेस्ट स्पेशल, जो आपको कौन प्रोवाइड करता है, एमएस एक्सेल. इसके अलावा सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस भी आपका यहाँ पे यूज होता है. जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर भी बताया है कि यहाँ पे 3 types ऑफ सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है और मिक्स सेल रेफरेंस है. इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ऑटोफिल और फिल फ्लैश है. इसके अलावा शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग है, गोलसिक है, सिनेरियो मैनेजर है, फॉर्मूला एंड फंक्शंस हैं, चार्ट्स हैं, हेडर फूटर है, ये कुछ फंक्शन है किसके, आपके एमएस एक्सेल के. इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखिए स्प्रेडशीट के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, स्प्रेडशीट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम यूज फॉर डेटा हैंडलिंग डेटा विच इज आइदर इन न्यूमेरिकल और टेबुलर फॉर्म. कि स्प्रेडशीट क्या है, अगर आपको स्प्रेडशीट की डेफिनेशन देनी है तो आप ये भी दे सकते हैं कि स्प्रेडशीट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जिसका यूज अपन किस लिए करते हैं, कोई न्यूमेरिकल या फिर टेबुलर डेटा है उसको हैंडल करने के लिए. ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें वो करते हैं कि कैसे अपन इसको स्टार्ट करते हैं, तो देखिए टू ओपन एमएस एक्सेल सबसे पहले स्टार्ट पे जाना है, देन ऑल प्रोग्राम और देन एमएस ऑफिस. ये वर्जन कोई भी हो सकता है, जैसे 2010 है वैसे और कोई भी हो सकता है, देन एमएस ऑफिस और देन आपको मिलेगा क्या, एमएस एक्सेल. ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें टू ओपन न्यू वर्कबुक, अगर आपको नई वर्कबुक ओपन करनी है तो देखिए वर्कबुक यहाँ पे क्या है, एक्सेल की जो फाइल है उसे अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे. ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एमएस एक्सेल को ओपन करना है तो आप रन कमांड से भी ओपन कर सकते हैं. लाइक मैंने विंडो के साथ आर प्रेस करता हूँ तो ये आपका रन कमांड ओपन होता है और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेल. ठीक है, जैसे एक्सेल लिखते हैं ओके करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाता है. ठीक है, ये आपका एमएस एक्सेल है. यहाँ पे देखिए ये कॉलम लेबल्स है ABCD, जिसको मैं जूमिंग बढ़ा देता हूँ, ये ABCD है. इधर आपका क्या है, रो नंबर्स है 1, 2, 3, 4. ठीक है, कोई भी सेल है उसका एड्रेस क्या होगा, लाइक ये डी है और ये 4 है, इट मींस इसका एड्रेस क्या होगा, D4 होगा. ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये आपकी क्या है, वर्क बुक है टोटल, जहां पे लिखा हुआ है बुक 1. अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, बुक 1, इट मींस ये क्या आपकी वर्क बुक है. नई वर्क बुक ओपन करनी है तो देखिए कैसे करनी है, फाइल में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, यहाँ पे ब्लैंक वर्क बुक है वो अपन को सेलेक्ट करना है. ठीक है, कैसे करना है, फाइल में गए, यहाँ पे ऑप्शन मिला अपन को न्यू का, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे अपन ने किया ब्लैंक वर्क बुक. जैसे मैं ब्लैंक वर्क बुक पे क्लिक करता हूँ तो आपकी न्यू वर्क बुक ओपन हो जाती है. ओके, तो ये है कैसे अपन इसको ओपन करते हैं. नेक्स्ट अगर अपन बात करें टू ओपन न्यू सीट, देखिए बाई डिफॉल्ट वर्क बुक में नंबर ऑफ सीट्स होती हैं. ठीक है, अगर अपन बात करें 2010 की तो बाई डिफॉल्ट 3 seats अवेलेबल होगी, अगर अपन बात करें 2016 की तो यहाँ पे 1 seat अवेलेबल होगी. अगर आपको नई सीट इंसर्ट करनी है अपनी सेम वर्क बुक के अंदर तो अपन क्या करेंगे, क्लिक ऑन द न्यू सीट बटन या न्यू सीट टैब, न्यू सीट टैब आपको या बटन मिलेगा उस पर अपन क्लिक करेंगे, या फिर अपना शॉर्टकट क्या आता है, Shift+F11. Shift+F11 करके भी आप क्या कर सकते हो, न्यू सीट है वो ओपन कर सकते हो. कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 1 seat है, यहाँ पे देखिए ये बटन आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो नई सीट ओपन हो जाएगी. ये seat 2 आ गई, ऐसे अपन क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी seat 3. इसके अलावा अगर अपन बात करें तो शिफ्ट के साथ अगर मैं F11 दबाता हूँ तो भी आपकी न्यू सीट ओपन हो जाती है, तो देखिए ये क्या आ गया, seat 4. तो ऐसे अपन न्यू सीट ओपन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो आपकी क्या है, वर्क बुक के अंदर नंबर ऑफ सीट्स आप ओपन कर रहे हो. और नई वर्क बुक ओपन करनी है देन अपन कहाँ पे जाते हैं, फाइल में जाते हैं और न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे ब्लैंक वर्क बुक सेलेक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल विंडो. एमएस एक्सेल विंडो का इंट्रोडक्शन क्या है कि कौन कौन सी बार्स आती है, तो देखिए 1 by 1 काफी ज्यादा आसान है. सबसे ऊपर बार आती है उसे अपन कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे लिखा है book 1. ठीक है, ये अपनी क्या है, टाइटल बार, और ये क्या है, टाइटल. ठीक है, अगर अपन बात करें इसके अलावा जो मोस्ट ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. इधर आपकी एक और बार आती है जो आपकी
राइट साइड के अंदर है बार, सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर है, उसे अपन क्या कहेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर मोस्ट ऑफ कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, सेव होता है, रीडू होता है, अंडू होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं कंट्रोल बटन्स। देखिए अगर अपन लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल बटन्स मिलते हैं। ये आपके लेफ्ट साइड के अंदर क्या मिलेगी, क्विक एक्सेस टूल बार, और राइट साइड के अंदर आपको क्या मिलेगा, कंट्रोल बटन्स, जिसको अपन ने क्या लिखा है, एक्सेल विंडो कंट्रोल्स। ठीक है, जिसमें आपका आता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये तो ऊपर वाली टाइटल बार है, उसके नीचे वाली बार आती है जहाँ पे लिखा होम है, इंसर्ट है, ये आपके क्या है, टैब्स है। ठीक है, ये अलग अलग टैब्स है, जैसे फॉर्मूला टैब है। ठीक है, पर्टिकुलर टैब के नीचे आपको क्या मिलेगा, एक रिबन मिलेगा। देखिए ये कंप्लीट आपका रिबन है। ठीक है, इस रिबन के अंदर अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, लाइक सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, देन है फॉन्ट, देन है अलाइनमेंट, देन है नंबर, देन है स्टाइल, और देन है सेल्स, और देन है एडिटिंग। ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। देखिए ये ग्रुप के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, फॉन्ट का यहाँ पे दे रखा, क्लिपबोर्ड यहाँ पे दे रखा है, ये अलाइनमेंट है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको ग्रुप्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये अलाइनमेंट आ गया, ये नंबर आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये अपना क्या आता है, वो आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या करता है, आपको पर्टिकुलर सेल का एड्रेस यहाँ पे शो करता है। ठीक है, ये F6 है, किसे F6 वाले सेल पे क्लिक किया हुआ है, देन यहाँ पे दिखा रहा है F6। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखिए ये कॉलम लेबल है ABCD यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये इधर रो नंबर है 1, 2, 3, 4 आपको शो कर रहे हैं ये सारे। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पर आपको जो बार दे रखी है वो फॉर्मूला बार। देखिए ये वाली कंप्लीट जो बार है, ये आपकी क्या है, फॉर्मूला बार है। ठीक है, इसके अंदर अपन कोई भी फॉर्मूला अगर अपन किसी सेल पे अप्लाई करते हैं तो वो कहाँ पे शो होगा, फॉर्मूला बार के अंदर शो होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो देखिए क्या है, यहाँ पे ये आपकी स्क्रॉल बार है, ये आपकी कंप्लीट स्क्रॉल बार है। ये टू टाइप्स की होती है, तो वर्टिकल है, और नेक्स्ट आपकी यहाँ पर मिल रही वो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके अलावा जूम स्लाइडर है, वो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ये जूम स्लाइडर जहाँ से अपन जूमिंग है वो चेंज करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें, व्यू बटन्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए अलग अलग बटन्स आपको दे रखे हैं, ये आपको अलग अलग बटन्स यहाँ पे शो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये है वर्कशीट टैब, तो ये सीट 1 है, यहाँ पे ये बटन मिल गया आपको, इससे आप क्या कर सकते हो, न्यू सीट इंसर्ट कर सकते हो। ये आपका कंप्लीट क्या है, वर्किंग एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है किसका, आपके MS Excel विंडो का। इसके अलावा जिस भी सेल पे आप क्लिक करते हो तो वो क्या बन जाता है, आपका एक्टिव सेल बन जाता है। ओके, तो ये है इंट्रोडक्शन टू MS Excel। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे द अलग अलग टर्मिनोलॉजी है किसकी, MS Excel की। ओके, थैंक यू।